आज जब मुंबई में एक 5 मंजिला इमारत ढह गई, डॉकयार्ड स्टेशन के पीछे हुए इस हादसे में कई लोगों के हताहत होने की आशंका। अभी भी मलबे में 50 से 60 लोगों के दबे होने की आशंका है। सुबह होने की वजह से लगभग सभी लोग इमारत के अंदर ही मौजूद बताए जा रहे हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की 12 से ज्यादा टीमें पहुंच चुकी हैं। स्थानीय लोगों की मदद से कुछ लोगों को सकुशल बचा लिया गया है। कई घायलों को मलबे से निकालने के बाद जेजे अस्पताल भेजा गया है। प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंच गया है। डॉकयार्ड स्टेशन के पीछे का ये हिस्सा मुंबई का काफी पुराना इलाका है। पुराना इलाका होने की वजह से यहाँ काफी घनी आबादी है। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात होगी। दोनों देश आर्थिक, व्यापारिक और सामरिक रिश्तों को नई दिशा देने के लिए बातचीत करेंगे। व्हाइट हाउस ने अपने एक संदेश में कहा है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात के लिए काफी उत्सुक है। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अमेरिका के वीजा नियमों में प्रस्तावित बदलावों के प्रति भारत की चिंता प्रकट करेंगे, क्योंकि इन बदलावों से भारत के आईटी क्षेत्र के प्रोफेशनल्स पर बुरा असर पड़ेगा। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले असैन्य परमाणु करार पर भी देश की नजरें रहेंगी। पिछले दिनों विपक्ष ने मांग की थी कि परमाणु करार में ऐसे कोई भी बदलाव नहीं किए जाएं जिससे भारत की सुरक्षा प्रभावित हो। साल 2009 के बाद से ओबामा के साथ तीसरी शिखर वार्ता में शामिल होने वाले मनमोहन सिंह वाशिंगटन से संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो जाएंगे। जम्मू में 1 घंटे के अंदर हुए 2 आतंकी हमलों के विरोध में बीजेपी और शिवसेना ने बंद का आह्वान किया है। बंद को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तिरुचिरापल्ली में कल नरेंद्र मोदी ने भारत पाक वार्ता का विरोध करते हुए कहा कि देश की सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से हमले हो रहे हैं और प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में पाक प्रधानमंत्री से बातचीत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह से सवाल पूछा है कि देश जानना चाहता है कि देश की सरहद की रक्षा जरूरी है या दुश्मन देश के हुक्मरान से बातचीत जरूरी है। सरकार पर रीढ़ विहीन कूटनीति करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से नवाज से वार्ता रद्द करने की मांग की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। दुनिया की नजर इस भाषण पर इसलिए भी रहेगी कि नवाज भारत पाक संबंधों पर क्या कहते हैं। स्पेक्ट्रम घोटाले में जेपीसी की आज होने वाली बैठक हंगामेदार होने वाली है, क्योंकि समिति इस बैठक में विवादास्पद मसौदा रिपोर्ट को मंजूर कर सकती है। जेपीसी की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्लीन चिट दी गई है, जबकि पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा को दोषी ठहराया गया है। कांग्रेस के सामने मुश्किल तब खड़ी हो गई जब एनसीपी, बीजेपी, लेफ्ट, डीएमके और जेडीयू ने ए राजा को बतौर गवाह बुलाए जाने की मांग की। विपक्ष ने कहा था कि जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं उसका पक्ष कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। जेपीसी में शामिल एनसीपी ने साफ कर दिया है कि हमने अपना रुख जेपीसी के सामने साफ कर दिया है, लेकिन हम इसे मुद्दा नहीं बनाएंगे। जेपीसी की मीटिंग में सभी की नजरें बीएसपी, एसपी और जेडीयू के रुख पर होगी कि ये पार्टियां पीएम को क्लीन चिट देने का विरोध करती हैं या समर्थन। राजकोट में बाढ़ से हालात बदतर होते जा रहे हैं। 36 घंटों से जारी भारी बारिश में लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। राजकोट प्रशासन के मुताबिक जिले में 20 इंच भारी बारिश हुई है। शहर की सारी सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। शहर समंदर में तब्दील होता जा रहा है। राजकोट के 3 बड़े बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से 4,000 लोगों का रेस्क्यू किया है। वडोदरा में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता अर्जुन मोदवाड़िया ने नरेंद्र मोदी को खूब खरी खोटी सुनाई। मोदवाड़िया ने कहा कि उत्तराखंड में रैम्बो रेस्क्यू करने वाले सीएम साहब जरूरत के वक्त वडोदरा से नदारद हैं। भुवनेश्वर में बच्चों ने माओवादियों के खिलाफ आवाज बुलंद की है। मासूमों ने मीडिया को बताया कि कैसे नक्सलवाद की वजह से उन्हें पलायन का शिकार होना पड़ रहा है।
मीडिया मुंबई के सायन इलाके से तेज रफ्तार जा रही दूध का टैंकर फ्लाईओवर पर पलट गया। हादसे में टैंकर का ड्राइवर घायल, सायन अस्पताल में भर्ती कराया गया। 10 टन दूध से भरा ये टैंक नवी मुंबई के वाशी से भायखला दूध की डिलीवरी करने जा रहा था। करीब 8,000 लीटर से ज्यादा दूध सड़क पर ही गिरा। फिल्म अभिनेता अभय देओल की कार 24 सितंबर की सुबह उनके घर से चोरी हो गई। मुंबई के सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक अभय देओल की ब्लैक कलर की पजेरो कार की कीमत 12 लाख थी। कार का नंबर है MH02BG420। उत्तर प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार को हटा दिया गया है। उनकी जगह GRP ADG मुकुल गोयल लेंगे। अरुण कुमार DGP हेडक्वार्टर में नियुक्त किए गए हैं। मुंबई पुलिस ने फांसे पर आ रही गैंग को धर दबोचा है। ये गैंग पहले शिकार को मौत के घाट उतारता है, फिर नींबू मिर्ची अगरबत्ती कुमकुम हल्दी और खतरनाक हथियार के साथ शव की पूजा करता है, फिर सामान लूटता है। मुंबई के मलाड पुलिस ने फांसे पर आधी पारधी गिरोह के ऐसे 6 खूंखार सदस्यों को धर दबोचा है जिन्होंने 1997 में डकैती को अंजाम देते वक्त 2 पुलिस वालों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। इन सभी 6 आरोपियों के पास से हल्दी कुमकुम मिर्ची अगरबत्ती रस्सी धारदार हथियार को बरामद किया है। लंबे अरसे से पुलिस को इनकी तलाश थी। शक्ति मिल गैंगरेप मामले में पुलिस को उस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब उसने कोर्ट को बताया कि मामले के एक आरोपी सिराज अहमद खान का कुछ पता नहीं चल पाया, हालांकि वो ठाणे की जेल में ही बंद था। तमिलनाडु में 55 करोड़ की लागत से बनी एक फिल्म को 55 रुपए की पायरेटेड CD में बांटने वाले 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद में लोही से सटे गांव में पंचायत ने अमानवीयता की हदें पार की। पंचायत ने गैंगरेप के आरोपियों को बचाने के लिए पीड़ित परिवार को 1.5 लाख की रिश्वत लेने के लिए कहा। रिश्वत न लेने पर ग्राम पंचायत ने पीड़ित परिवार को गांव से निकालने की धमकी दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मेरठ में आर्मी के एक जवान ने अपनी पत्नी के 19 साल के प्रेमी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक राकेश ने अपना गुनाह भी कबूल किया। दिल्ली में हुई कैश वैन को लेकर फरार हो जाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को एटा से गिरफ्तार किया है और साथ ही लूटे हुए 49 लाख भी बरामद किए हैं। कोलकाता में अस्पताल में फिर लापरवाही का मामला सामने आया है। लापरवाही की वजह से एक नवजात बच्चे की मौत हो गई है। लोगों में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ भारी गुस्सा है। गाजियाबाद पुलिस ने शमशाद नाम के एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिसने शादी की रकम जुटाने के लिए 3 साल के बच्चे का अपहरण किया। शमशाद 9 से क्या था और फोन पर फिरौती मांगते वक्त तो उसके हकलाती आवाज को तुरंत पीड़ित परिवार ने पहचान लिया। पुलिस ने तुरंत फोन की लोकेशन टैप कर उसे धर दबोचा। लागी विधायकों सांसदों के बचाव में लाए गए केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर आडवाणी की अगुवाई में बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज और राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली ने अध्यादेश पर अपना विरोध दर्ज कराया है और राष्ट्रपति से इसे मंजूरी नहीं देने का अनुरोध किया है। केंद्रीय अध्यादेश पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। इस सिलसिले में राष्ट्रपति ने कानून मंत्री कपिल सिब्बल, लोकसभा में सदन के नेता और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ से बातचीत की। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह आज दागी विधायक सांसदों के संबंध में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आज उस याचिका पर फैसला सुनवाएगी जिसमें वोटर्स को EVM और बैलेट पर नेगेटिव वोटिंग के लिए सक्षम बनाने की मांग की गई है। साथ ही नेगेटिव वोटिंग को गुप्त रखने की भी मांग की गई है। कोलगेट में पहली FIR दर्ज होने के 1 साल बाद CBI जल्द ही इस मामले में चार्जशीट दायर कर सकती है। CBI उन 5 मामलों में चार्जशीट फाइल करेगी जिसमें जांच पूरी हो चुकी है। CBI 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी पेश कर सकती है। भारत के चीफ जस्टिस PE सदाशिवम ने सुप्रीम कोर्ट के लिए विशेष पिन कोड 110201 के आवंटन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि डाक विभाग से देशभर के हाई कोर्ट्स को भी इसी तरह की सुविधा दी जानी चाहिए। 5 साल पहले सचिवालय में नौकरी के नाम पर युवती से रेप के मामले में जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व नेता प्रमोद गुप्ता को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
पैसे आने के बाद प्रमोद गुप्ता अदालत में फूट फूट कर रोए। दूसरी तरफ पीड़िता के पिता ने कहा कि उनकी बेटी के साथ जो अपराध हुआ है उसमें फांसी की सजा दी जानी चाहिए थी। ओडिशा और बिहार देश के सबसे कम विकसित राज्य हैं। रघुराम राजन पैनल रिपोर्ट के आधार पर गरीब राज्यों को अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। रघुराम राजन कमेटी की सिफारिश के बाद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना तय हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका स्वागत किया है, तो वहीं जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। रघुराम राजन पैनल की रिपोर्ट में बिहार को अतिरिक्त मदद देने के फैसले के बाद आरजेडी चीफ लालू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश पर निशाना साधा। कहा सबसे पहले राबड़ी ने उठाई थी स्पेशल स्टेटस की मांग। पश्चिम बंगाल के कूच